नगर पालिका के चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, जहां घर घर जाकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार की तौर पर नारा दिया जा रहा है। उसके तहत बदलेगी दिल्ली बदलेगा नागपुर इस स्लोगन के जरिए आम आदमी पार्टी ने अभियान अपने हाथ में लेकर जनता को जोड़ने का प्रयास किया है। यही मुद्दे के तौर पर पेट्रोल डीजल बिजली बिल टैक्स मनपा स्कूल सिटी बस पूर्व मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे जैसे विषयों को आम आदमी पार्टी जनता के सामने उठा रही है। नागपुर में आम आदमी पार्टी अभी आने वाला जो चुनाव है नागपुर महानगर पालिका का उसकी तैयारियां कर रही है। उस तैयारी के पहले अभी होता क्या है, हर बार हर पार्टियां आती है, इतनी सारी पार्टियां नागपुर में बीजेपी है कांग्रेस और बाकी सारी पार्टियां है जो आती है और चुनाव में अपने बहुत सारे ढेर सारे वादे करते हैं, चुनाव के एक दो महीने पहले निकलते हैं, लोगों को दारू पैसा बांटते हैं और अपना काम करके निकल जाते हैं। लेकिन हमने थोड़ा एक नया अभियान चालू किया है जिसमें दिल्ली के कामों का हम लोगों को बता रहे हैं और दिल्ली के जो बिजली जो फ्री की है 200 यूनिट, उसके बाद 20,000 लीटर पानी फ्री किया है, महिलाओं के लिए बस सुविधा फ्री की गई है, स्कूल वर्ल्ड क्लास के बनाए गए हैं और डोर स्टेप डिलीवरी, ऐसे अनगिनत काम जो हुए हैं जिसकी दुनिया कायल हो चुकी है, पूरी दुनिया भर में उसका डंका पीट रहा जा रहा है, उसी के माध्यम से हम लोगों को अभी घर घर तक जा रहे हैं, लोगों को पूछ रहे कि दिल्ली के काम आप तक पहुँचे हैं क्या और दिल्ली के काम आपको कैसे लगते हैं और आपके एरिया की क्या समस्या है, लोगों को क्या जनता की क्या समस्या है और उनका राय हम ले रहे हैं और ये अभियान उसमें हम ये भी पूछ रहे हैं कि आपकी क्या क्या समस्या है और कौन से मुद्दे पे आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे चुनाव लड़ना चाहिए और जनता की जो राय है वो राय हम कलेक्ट कर रहे हैं, उसका हम सर्वे कर रहे हैं और अगर जनता चाहेंगी और जनता बोलेंगी तो हम चुनाव में उतरेंगे। और अभी तक हमारा नागपुर के 151 वार्ड में सर्वे शुरू है, करीब करीब हमारे पास अभी 2 से 3 लाख लोगों का डेटा आ चुका है, लोगों का पूरा साथ इस बार आम आदमी पार्टी को तैयार है क्योंकि लोग ये जो 5 साल था फिर कोरोना का काल था तो उन इन सब महामारी में भी लोगों ने देखा है कि जो नागपुर के नेता लोग हैं बीजेपी कांग्रेस के और नगर सेवक वो मुंह छुपा के अपने घर में दुबक के बैठे थे, उन्होंने काम नहीं किया था जो और दिल्ली का काम उन लोगों ने देखा है, तो जनता इस बार पूरी तरह से तैयार है और आम आदमी पार्टी के साथ है। अभी 151 वार्ड नागपुर में अभी तक है और हम पूरे वार्ड में हमारी आम आदमी पार्टी की टीम चुनाव लड़ने वाली है और हर वार्ड में हमारी कमेटियाँ जैसे आप देख सकते हैं पूरी टीम हमारी काम कर रही है। अभी तक हमारे लगभग 1 लाख लोगों का सर्वे कंप्लीट हो चुका है और निरंतर हम सवेरे दोपहर शाम हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं पूरे नागपुर शहर में। हमारा लक्ष्य है कि 5 लाख लोगों का कम से कम सर्वे किया जाए आने वाले 1-2 महीने के अंदर और जनता की राय हम फिर से मीडिया के माध्यम से आपके माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से हम सामने रखेंगे और डेटा आपके सामने करेंगे कि भैया 5 लाख लोगों ने हमको बोला है कि आप इस बार चुनाव लड़िए और उस आधार पर हम जनता को साथ में लेके जनता का साथ लेकर हम चुनाव में उतरने वाले हैं। साथ तो अभी नागपुर में जहाँ तक हम लोग सर्वे कर रहे हैं हर एरिया में हमारा सर्वे चालू है, तो जितना एरिया में अभी घूम रही हूँ बहुत यानी बढ़ चढ़ कर लोग बोल रहे हैं कि नहीं इस बार हमको आम आदमी पार्टी ही चाहिए, हमको कांग्रेस नहीं बीजेपी नहीं, हम तो यानी आएंगे भी हमारे दरवाजे पे तो हम जूते मारने तैयार है क्योंकि कोरोना में जो परिस्थिति हमारे नागरिकों की हुई थी उस समय एक भी नगर सेवक घर से नहीं निकला था, एक भी हमारा MLA जो है एक भी MLA हमारे घर से नहीं निकले थे, इसलिए आम आदमी पार्टी के बहुत से लोगों ने अन्न का वाटप किया धान्य वाटप किया ये सब कोरोना में उन लोगों ने किया है, तो जनता जानती है कि सत्ता में ना होते हुए भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जनता की मदद की, तो हम यानी जब NMC में आएगी आम आदमी पार्टी तो नगर सेवक इनकी मदद करेंगे और कुछ ना कुछ परिवर्तन लाएंगे और सबका तो ऐसे जैसे मैं अभी घूम रही हूँ एरिया में तो सबका कहना है कि बा इस बार नए लोगों को चांस देना चाहिए, बहुत हो गया बीजेपी कांग्रेस, इस बार आम आदमी पार्टी को चांस देना चाहिए। हाँ बहुत से लोगों में ना एक आक्रोश है कि बा सिलेंडर महंगा हो गया, खाने का तेल महंगा हो गया, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, ऊपर से यहाँ हमारे पास रोज़गार नहीं है, हम कैसे यानी जिंदगी कैसे जिए, तो बहुत से लोगों को ये मानना है कि बा इस बार तो आम आदमी पार्टी को अभी 2022 में देते हैं NMC में लाते हैं कुछ सुविधाएं हमको मिलेगी जैसे स्वास्थ्य है पानी है शिक्षा है आरोग्य जो आपको बताए ये जो मूलभूत गरजे हैं वो तो उनके पूरे होंगे, उसके बाद आने वाला जो समय है 2024 में भी आम आदमी पार्टी को ही हम लोग जिता के लाएंगे, जिसके कारण हमने जो गलती किए है बीजेपी कांग्रेस को लाकर जो मोदी लहर चली थी उसने पूरे देश में कहर कर दिया है अभी, तो वो अभी हम लोग वो गलती हम सुधारना चाहते हैं, इसलिए हम लोग आम आदमी पार्टी झाड़ू का ही बटन दबाएंगे, पूरी जनता का कहना है।